हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को एंड नेवर मिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, अब ये जो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने पहला चैप्टर कर लिया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो पढ़ लिए थे। अब हम अपना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है इस क्लास ट्वेल्थ का, उसे पढ़ने वाले हैं और वो है नेशनल इनकम। ठीक है, इस चैप्टर को आराम से समझना और जैसे जैसे मैं पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ वैसे वैसे इन वीडियो को देखते हुए चलना, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। क्या बोला गया? नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जितनी भी फैक्टर इनकम है उनका टोटल है जो अर्न किसने की है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने जिसे अर्न की हो, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर तीन नए टर्म आते हैं। पहला, ये फैक्टर इनकम क्या होती है, दूसरा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, और तीसरा अकाउंटिंग ईयर। अब देखो, अकाउंटिंग ईयर तो आपको पता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है? अकाउंटिंग ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ओके, अब तो यानी कि अकाउंटिंग ईयर तो क्लियर हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब देखते हैं फैक्टर इनकम क्या होता है। तो देखो फैक्टर इनकम, अब देखो आप देखोगे इनकम जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है फैक्टर इनकम और दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम क्या होती है? व्हाट यू अर्न एज अ रिवार्ड फॉर योर सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। एक ऐसी इनकम जो आपने अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के बदले में प्राप्त की हो। ठीक है, जैसे आपने, मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था, हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो कौन होता है? वो ओनर ऑफ फैक्टर्स होता है। क्या होता है? ओनर ऑफ फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? फैक्टर सर्विस देता है। ठीक है, बदले में ये से क्या करता है? फैक्टर पेमेंट करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट करता है, हम देख चुके हैं पिछले क्लासेस में। ठीक है, तो इस प्रोड्यूसर के लिए जो फैक्टर पेमेंट है वही हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या होता है? फैक्टर इनकम होता है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम क्या हुआ? व्हाट यू अर्न एज अ रिवार्ड फॉर योर सर्विस इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। ओके, अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम का मतलब व्हाट यू रिसीव एज ए हेल्प, चैरिटी और डोनेशन इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। एक ऐसी इनकम जो या तो आपने किसी ने आपकी हेल्प की हो, या आपको चैरिटी में दी हो, या आपको डोनेशन में दी हो, ऐसी इनकम को ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ठीक है, अगला है फैक्टर इनकम आर रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है फैक्टर इनकम किससे रिलेटेड होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? आपको पता है चार होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड के जो लैंड है तो उसकी जो इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं? रेंट। लेबर है, उसकी इनकम को वेजेस बोलो या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोलो। कैपिटल की जो इनकम होती है उसे इंटरेस्ट बोलते हैं, और एंटरप्रेन्योर पर जो इनकम होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो इन चारों का टोटल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनका चारों का जो टोटल होता है उसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। और इट इज इंक्लूडेड, मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में सिर्फ फैक्टर इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसफर इनकम इट इज नॉट इंक्लूडेड, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, इट इज नॉट इंक्लूडेड। इस देखो ट्रांसफर इनकम जो होती है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपको कोई भी, अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, उसके बदले में जो पैसा दे रहा है वो पहले जरूर क्या हुआ होगा? नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया होगा। अब वो सिर्फ आपको क्या कर रहा है?
आपको अपना जो पैसा जो पहले वो इंक्लूड हो चुका है नेशनल इनकम में, बस वही पैसा आपको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो ठीक है, तो आपने क्या किया, वो उसने अपना पैसा जो पहले ही ऑलरेडी क्या हुआ नेशनल इनकम में इंक्लूड हुआ, वही आपको ट्रांसफर किया है। तो इसीलिए ट्रांसफर इनकम कभी भी जो है वो फैक्ट जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम ही क्या होती है नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। ठीक है, अब आया नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो फैक्टर इनकम तो हमने देख लिया, अब आया नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री कंसर्न एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। क्या बोला गया, नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो उस कंट्री से बिलोंग करता है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है वो उसी कंट्री में होता है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए आपको क्या शर्तें चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, नॉर्मली वो क्या है उस कंट्री से बिलोंग करता हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हो वो भी उस कंट्री से बिलोंग करता हो। अब अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर इज टेकन एज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन दैट कंट्री। अगर हम आपसे बात कहें कि ये ऑर्डिनरली रिजाइडिंग का रिजाइड का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति एक साल या एक साल से ज़्यादा रहता है किसी कंट्री में तो वो उस कंट्री के लिए ऑर्डिनरली रिजाइड्स हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या बन जाएगी कि कोई भी जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन एक साल या एक साल से ज़्यादा उस कंट्री में रहा हो, और दूसरा उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उस कंट्री से बिलोंग करता हो। ठीक है, अब है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री इंक्लूड। नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन इंक्लूड होता है, तो पहला सिटीजन या कोई भी इंस्टीट्यूशन, या तो कोई सिटीजन हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो ऑफ आवर कंट्री हु नॉर्मली रिजाइड इन द कंट्री, जो नॉर्मली उस कंट्री में रहता है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी क्या हो उसी कंट्री में हो। तो पहला ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जांपल लूँ तो जैसे कि नॉर्मली हम जो लोग रह रहे हैं, हम नॉर्मली अपने इंडिया में रहते हैं और काम धंधा भी जो है कोई भी जो भी अपना जॉब वगैरह करना या कोई भी बिजनेस करते हैं वो इंडिया में ही करते हैं, तो हम इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। दूसरा सिटीजन ऑफ अदर नेशन, दूसरे नेशन के सिटीजन हु कॉन्टिन्यू टू लिव इन आवर कंट्री, दूसरी कंट्री के सिटीजन जो हमारी कंट्री में रहते हैं बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ वन ईयर एक साल से ज़्यादा, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री, और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है हमारी ही कंट्री में होता है। ऐसे बहुत सारे फॉरनर्स होते हैं जो इंडिया में ही आके जॉब करते हैं, इंडिया में आके ही रहते हैं एक साल से ज़्यादा टाइम तक और यहीं पर जॉब करते हैं, तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या यहाँ पर ही काम धंधा करते हैं, तो उनका जो भी उनका बिजनेस वगैरह होता है वो इंडिया में ही होता है। तो ऐसे जो सिटीजन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं इंडिया के लिए नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। तीसरा सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री के सिटीजन जो किस में काम करते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो काम करते हैं, या किसी फॉरेन एम्बेसी में जो लोकेटेड इन आवर कंट्री, या कोई ऐसी फॉरेन एम्बेसी जो कहाँ पर है लोकेट कहाँ पर है हमारी कंट्री में लोकेट है, उसमें अगर हमारे कंट्री के लोग काम करते हैं तो वो भी हमारे लिए नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। चौथा सिटीजन ऑफ आवर कंट्री हु आर लिविंग एब्रॉड, हमारे कंट्री के सिटीजन जो कहाँ रहते हैं एब्रॉड में, बट नॉट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग वन ईयर, लेकिन वो एक साल से ज़्यादा समय तक बाहर नहीं रहते, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन देयर होम कंट्री, जो जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो कहाँ होता है उनकी होम कंट्री में होता है। जैसे हम लोग कुछ कभी काम के सिलसिले में बाहर चले गए लेकिन एक साल से कम समय के लिए, और उसके बाद जो है हम वापस आ गए,
और हमारा जो काम धंधा है वो क्या होता है, सिर्फ इंडिया में होता है, बस हम अपने काम के सिलसिले में बाहर गए थे, उसके बाद फिर दोबारा से हम वापस आ गए। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के लिए। अब है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री डू नॉट इंक्लूड, कौन कौन से होते हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हमारे कंट्री के लिए नहीं है। द फॉरनर्स हु विजिट आवर कंट्री फॉर ट्रैवलिंग, रिक्रिएशंस, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज, कॉन्फ्रेंस और स्पोर्ट्स। ऐसे फॉरनर्स जो हमारी कंट्री में क्यों आते हैं, या तो ट्रैवलिंग घूमने के लिए आते हैं, रिक्रिएशंस हॉलीडेज छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अपना इलाज के लिए आते हैं, स्टडीज पढ़ने के लिए, कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई स्पोर्ट्स में कोई पार्टिसिपेट करना उसके लिए आते हैं। तो ऐसे फॉरनर्स जो होते हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट हमारी कंट्री के लिए नहीं होते। क्यों? एक तो वो नॉर्मली देखोगे एक साल से कम के लिए होते हैं, अगर वो एक साल से ज़्यादा के लिए हैं भी तो भी उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो इंडिया के लिए नहीं होता, वो अपने कंट्री के लिए इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द ऑफिशियल्स डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री पोस्टेड इन आवर कंट्री। ऐसे ऑफिशियल्स, ऐसे डिप्लोमेट्स या ऐसे मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस जो हमारी जो फॉरेन कंट्री के हैं लेकिन हमारी कंट्री में रह रहे हैं। अब देखो ये लोग भी क्या है, नॉर्मली एक साल से कम समय के लिए रहते हैं, लेकिन अगर एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए रह भी रहे हैं तो भी देखोगे इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो इंडिया नहीं होता, अपनी कंट्री होता है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हमारी कंट्री के लिए। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन आवर कंट्री, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री में लोकेट है, जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक के जो ऑफिस हैं, तो वो जो हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। अब देखो इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें काम करने वाले जो इंडियंस होते हैं वो तो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के लिए, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये हमारे कंट्री के लिए नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया, ऐसे इंडियन जो फॉरेन एम्बेसी में काम करते हैं जो कहाँ पर है, इंडिया में, वो क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट होगा, क्योंकि वो एक साल से ज़्यादा समय तक यहाँ पर रहेगा और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है, इंडिया में है। इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, अभी मैंने बताया था, तो ये क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट होगा। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, IMF जैसे ऑफिस जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऑफिस में काम करने वाले जो लोकल्स पीपल हैं वो भी क्या होंगे, नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। एम्बेसडर फॉर इंडिया, इंडिया का एम्बेसडर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दूसरे देश में रह रहा हो, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट होता है। क्यों? वो एक साल से चाहे कम, नॉर्मली एक साल से कम समय के लिए होता है, लेकिन अगर एक साल से ज़्यादा समय के लिए भी है तो भी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, इंडिया होता है। फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ऐसे फॉरेन सिटीजन जो एक साल से ज़्यादा समय तक रहते हैं, अदर देन दोज फॉर स्टडीज और मेडिकल ट्रीटमेंट, अब इनमें उनको शामिल नहीं करेंगे जो स्टडीज़ के लिए आए हों या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हों, ऐसे लोगों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। तो ऐसे फॉरेन सिटीजन्स जो एक साल से ज़्यादा टाइम तक के लिए रहते हैं और उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है वो भी इंडिया में के लिए होता है, वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। अब है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन होते हैं, फॉरनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान, कनाडा और जापान में की जो इंडियन एम्बेसी है उनमें जो फॉरनर्स काम करते हैं वो कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट। क्यों? वो एक तो एक साल से कम समय के लिए काम करते हैं और अगर एक साल से ज़्यादा समय के लिए काम कर भी रहे हैं तो भी उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री के लिए होता है ना कि इंडिया के लिए। फॉरनर्स वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, ऐसे फॉरनर्स जो WHO में काम करते हैं और वो लोकेट कहाँ पर है, इंडिया में, तो वो भी नॉन रेजिडेंट होंगे। द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, ऐसे जर्मन मतलब कि जो डायरेक्टर हैं किसके, IMF के, और वो कहाँ पर लोकेट है, इंडिया में। मैं पहले ही बता चुका हूँ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया में लोकेट हैं उनमें काम करने वाले इंडियंस तो इंडिया के लिए नॉन कौन से होते हैं, तो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, लेकिन जो फॉरनर्स काम करते हैं
वो नॉन रेजिडेंट होते हैं, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरे देशों के एम्बेसडर जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो भी नॉन रेजिडेंट होते हैं, क्योंकि इन लोगों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, अपनी कंट्री के लिए। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन वन ईयर, अब ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट जो इंडिया में तो काम कर रहे हैं लेकिन एक साल से कम समय के लिए, अगर ये एक साल से ज़्यादा समय के लिए काम करते तो फिर ये कौन होते, नॉर्मल रेजिडेंट होते, लेकिन ये एक साल से कम समय के लिए काम कर रहे हैं तो ये जो हैं वो नॉन रेजिडेंट इंडिया के लिए कहलाएंगे। तो देखो अब तो यानी कि हमने समझ लिया कि नेशनल, जब भी हमको नेशनल इनकम देखना है तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एक तो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो देखो यानी कि फैक्टर इनकम के बारे में भी हमने देख लिया और नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में भी हमने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, ओके।